एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आजकल गर्मी का मौसम है और वाटरमेलन यानी तरबूज बहुत मात्रा में अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हैं, तो क्यों ना हम इसके गुदे के साथ इसको भी यूज करें। तो आम के आम और गुठलियों के दाम। मैंने ये इस कलर का तरबूज लिया है, हल्के हरे कलर का, एक डार्क ग्रीन कलर का आता है। इसमें से हमने जो गुदा है वो निकाल लिया है अलग, चाहे आप उसका सैलेड बना लें, जूस बना लें, वैसे ही खा लें। और इसकी सब्जी बनाने के लिए, आज मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी, उसके लिए मैं इसका ये जो ग्रीन पार्ट है ना, ये आसानी से अलग हो जाता है। आलू छीलने के चक्कू से नहीं, आप सीधे ही इस चक्कू से निकाल लीजिए। इस तरह से हम इसका ये ग्रीन पार्ट निकाल लेंगे, ऐसा सा ये बच जाएगा और इसको हम इसमें कट कर लेंगे छोटे पीसेस में, बड़े में, जैसे भी आप इसको कट कर लें। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, मैं इनको कट करके आपको दिखाती हूं। और ये देखिए 446 ग्राम के करीब ये हो गया है, मतलब मैंने आपको एक मेजर करके बताया है, अदरवाइज आप जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूं, अदरवाइज आप ऐसे अंदाजे से बना सकते हैं कि आधा तरबूज लिया है और ये एक बाउल हमने भर के इसको काट लिया है। किसी भी शेप में आप, बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, हल्का अगर इसका पिंक कलर आ रहा है तो भी चलेगा और नहीं है तो भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सब्जी बनाना। तो इसके लिए हमने क्या क्या लिया है, एक हमने प्याज को बारीक काट लिया है, एक हरी मिर्च को काट लिया है, नमक है स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर हम एक टेबल स्पून यूज करेंगे, आधा चम्मच हल्दी यूज करेंगे, आधा चम्मच जीरा यूज करेंगे। इसमें जो मैं मसाला यूज कर रही हूँ वो है किचन किंग, गरम मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ, एक चम्मच किचन किंग। और ये लेंगे हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो कलर के लिए होता है। और साथ में मैंने दो टमाटर को पीस के ये प्यूरी बना ली है, आधा कप है। आपको बताने के लिए कि दो अगर बड़े हैं तो दो ले लीजिए और छोटे हैं तो तीन ले लीजिए, और इससे ये सब्जी इतनी यमी बनती है। दो टेबल हमने लिया है सरसों का तेल जो हमने ऑलरेडी कुकर में पका लिया है। तेल को पकाकर मस्टर्ड ऑयल जो है वो हमें पकाना चाहिए, फिर ठंडा कर लें। और अब फिर से हमने गैस ऑन की है, तेल डाल रहे हैं और जीरा डाल रहे हैं हम। और मजे की बात यह है कि ये सब्जी हम कुकर में बना रहे हैं। इसको मिक्स करेंगे, तो इस तरह से हम हिलाते हुए प्याज को जो है वो भून लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। और जब प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी। गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे, यहां ध्यान रखेंगे कि गैस को हमें बिल्कुल धीमा रखना है। एक टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, धनिया पाउडर बहुत यमी लगता है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो हम एक चम्मच यूज करने वाले हैं, ये भी, इससे कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा सब्जी का। साथ में हम डालेंगे किचन किंग, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इसको करते हैं जल्दी से मिक्स ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और ये देखिए मसाले जो हैं वो भुन गए हैं। इसके साथ ही साथ हम डाल देंगे इसमें ये टमाटर, इसको करेंगे मिक्स और आप देखिएगा ये सब्जी कितनी यमी लगने वाली है। इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, इसको करेंगे मिक्स। मैं इसमें कोई गरम मसाला और यूज नहीं कर रही हूं, मसाले को हम अच्छे से भुनने देंगे। लहसुन अदरक भी मैं इसमें नहीं डाल रही हूं, आप मेरे तरीके से ये सब्जी बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी है। इसको भुनने देते हैं अभी 2 से 3 मिनट। और देखिए जब मसाला अच्छे से भुन जाए, ऐसे इकट्ठा होने लगे, खुशबू आने लगे और तेल छूटने लगे, तो समझिए हमारा जो है मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आप इसको भूनिए। इसको मिक्स करके अब हम डालेंगे इसके अंदर ये तरबूज के पीसेस। बनाकर जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी ये सब्जी लगती है। इसको करेंगे मिक्स और देखिए सारे चारों तरफ से मिलने के बाद इतना पानी है बस इसमें,
क्योंकि तरबूज भी अपना पानी छोड़ता है, तो हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाला है ताकि सब्जी जो है वो जले नहीं। और अब हम इसको बंद करते हैं और दो विसल आने की इंतजार करते हैं। तो ये देखिए कुकर में से प्रेशर अपने आप निकल गया है और मैं आपको यहां दिखाऊं सब्जी कितनी बढ़िया ये रसे वाली और कलरफुल बनी है। और ये देखिए अच्छे से ये कट रही है, ये देखिए अच्छे से कट रही है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गई है। क्योंकि अगर ये सॉफ्ट नहीं होगी ना तो ये फिर खाने में मजा नहीं आएगा। देखिए मैं यहां करके बताती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल गल गई है, जैसे लौकी तोरी गलती है ना उस तरह से, थोड़ा गर्म है। अब हम इसमें मिलाते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और देखिए हमने कितना कम पानी डाला था और कितना ये छूट गया है। तो रसे वाली बनानी है और फिर इसको अगर आपकी कच्ची रह जाती है तो फिर एक विसल लगा दीजिए। मैंने 3 से 4 विसल इसमें लगाई हैं और कुकर टू कुकर भी डिपेंड करता है। तो ये आपकी सब्जी जो है वो बनकर तैयार है। अगर आपको रसा थोड़ा सा कम चाहिए तो आप थोड़ा सा गैस को हाई फ्लेम पर करके इसको सुखा सकते हैं। तो आइए इसकी करते हैं प्लेटिंग। इस तरह से बिना ढक्कन के आप इस तरह से पका लीजिए। मैं भी थोड़ी सी इसकी तरी जो है वो कम करना चाह रही हूँ। और आप ऐसे रसे वाली खाते हैं तो बहुत ही अच्छी, जरूर बनाकर देखिएगा। अब ये देखिए धीमी आंच पे पकाने से ना तो वो पानी अलग और वो ये अलग नहीं है तरबूज के पीस, ये मिक्स ग्रेवी बन गई है। आप देखिए पास से कितनी बढ़िया है ये। तो इसको डालते हैं प्लेट में, तो देखिए करेंगे ना ट्राई। बस आपको इसको अच्छे से गलाना है, जितनी विसल में गल जाए सब्जी जलने का कोई डर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत पानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।